भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। कुसुम योजना के तीसरे चरण को लेकर पेश होगा प्रस्ताव, तो वही योजना के तहत 1250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य होगा। किसानों को फसल ऋण दिए जाने का जारी रखने का प्रस्ताव भी जारी होगा, तो वही 0% ब्याज पर किसानों को दिया जा रहा है ऋण। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को मिल सकती है मंजूरी। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने पर लग सकती है मुहर। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। 11:30 बजे जो है ये मंत्रालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कुसुम योजना के तीसरे चरण को लेकर पेश हो सकता है प्रस्ताव। योजना के तहत 1250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य भी तय करेंगे। किसानों को फसल ऋण दिए जाने का जारी रखने का प्रस्ताव भी जारी हो सकता है। 0% ब्याज पर किसान को दिया जा रहा है ऋण। तो वहीं जबलपुर की बात करें तो मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने को मिल सकती है मंजूरी। तो शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक अपने आप में बेहद खास रहेगी। कई अहम प्रस्तावों को मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी जुड़ गए। अमृतांशी, ये बैठक अपने आप में बेहद खास। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिवराज कैबिनेट की बैठक जो होती है वो अपने आप में ही बेहद अहम मानी जाती है, बेहद खास मानी जाती है, और आज इसी को लेकर कई प्रस्तावों पर मुहर जारी लग सकती है। देखिए, कुसुम योजना जो है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो शुरू की गई थी वो किसानों को कह सकते हैं कि सोलर प्लांट से ऊर्जा देने के लिए शुरू की गई थी, और इसी को लेकर आज जो तीसरा चरण है वो आ सकता है और इसमें कैबिनेट में मुहर लग सकती है। जो सीएम शिवराज है वो कुसुम योजना को एक तीसरे फेज में हम कह सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें किसानों को जो है जल्द से जल्द जो सौर ऊर्जा है उससे खेती किसानी में मदद हो सके। क्योंकि देखिए, बिजली कटौती में ऐसे कई बार सामने आया है कि जो पानी है वो कम दबाव में आता है और सिंचाई में किसानों को परेशानी जाती है, तो सौर ऊर्जा से किसान जो है वो बिजली बना सके, इसको लेकर आज खास मुहर लग सकती है। कुसुम योजना की तीसरे फेज को लेकर आज मुहर लग सकती है। और कई फैसलों की अगर हम बात करें तो जबलपुर में जो सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है वहां पर नव निर्माण की जो है वो कैबिनेट में जो मुहर लग सकती है, नव निर्माण हो सकते हैं जो कैंपस है उसमें, साथ ही सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर, जैसे ही निर्माण बढ़ाए जाएंगे सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर भी जो मंजूरी है वो मिल सकती है। और दूसरी बात, जो अभी हाल ही में जो वन समितियों को जो अमित शाह देकर गए थे सौगात, तो वन समितियों की जो उसको है वो राजस्व विभाग में किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में जो बदलने की जो मुहर है वो आज कैबिनेट में लग सकती है। कि जब अमित शाह आए थे तब उन्होंने ये सौगात दी थी आकर जो वन समितियों को है कि वन ग्रामों को अब राजस्व ग्राम में बदला जाएगा, तो इसको लेकर आज खास चर्चा हो सकती है, खास बैठक में मुहर लग सकती है। ये कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो सिंचाई परियोजना की शुरुआत जो है सोनपुर में, वहाँ पर भी वो शुरू हो सकती है, क्योंकि सिंचाई परियोजना को लेकर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अब गर्मी भी शुरू हो गई है, सिंचाई जो है वो किसानों को उसमें काफ़ी परेशानी जा रही है, क्योंकि जो पानी है वो बिजली कटौती के कारण कम वोल्टेज के कारण काफी कम दबाव में आता है। तो सिंचाई परियोजना को लेकर कुछ नई मुहर लग सकती है जो आज कैबिनेट की बैठक है। साथ ही हम बात करेंगे सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने की, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जो सीएम शिवराज ने वहां पर घोषणा की थी उसके बाद जो खनन प्रौद्योगिकी संस्थान है जो कि काफी जरूरत और अहम भी माना जा रहा है उसको बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।